और कुर्स्क में कामयाबी के बाद यूक्रेन और नेटो की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। कुर्स्क में हमले के बाद रूस के भीतर पुतिन के खिलाफ माहौल तैयार हुआ है और पुतिन भारी दबाव में। इसी दबाव का फायदा उठाकर नेटो पुतिन को समझौता करने के लिए मजबूर करना चाहता है। जेलेंस्की को उम्मीद है कि अगर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए तो पुतिन डील के लिए झुक सकते हैं। कुर्स्क में हमले के बाद इतना तो तय हो गया है कि रूस की जमीन जितनी जलेगी पुतिन पर उतना ही दबाव बनेगा। यही वजह है कि कुर्स्क के बाद बेलगोरोद, वोरोनिश और रोस्तोव जैसे रूसी इलाकों में भी यूक्रेनी सैनिकों ने धावा बोल दिया। रूस के भीतर घुसकर हमले के बाद अब जेलेंस्की नाटो से रूस के भीतर लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मांग रहे हैं। यानी अब तक जहां यूक्रेनी फौज पहुंच सकी है वहां से 300 किलोमीटर दूर तक रूस के शहरों को दहलाया जा सके। जेलेंस्की रूस में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की इजाजत मांग रहे हैं। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो से रूसी जमीन पर हमले करने की छूट नहीं दी। क्रीमिया पर हालांकि कई बार स्टॉर्म शैडो से हमला किया जा चुका है। रूस के शहरों में यूक्रेनी फौज के घुसने के बाद नाटो को एहसास हो चुका है कि पुतिन को इसी रणनीति से झुकाया जा सकता है। पुतिन पर दबाव की वजह सिर्फ रूसी सेना की नाकामी नहीं, अब रूस में पुतिन की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुतिन के विरोधी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। रूसी शहरों पर हमले से पुतिन के दामन पर नाकामी के दाग लग रहे हैं। कुछ विदेशी एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि कुर्स्क की वजह से पुतिन की हत्या भी की जा सकती है। अब अगर कुर्स्क पर हमले में रूस के भीतर इतनी हलचल है तो सोचिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों पर हमले हुए तो क्या हो। पुतिन को झुकाने के लिए यूक्रेन और नाटो अब अगली रणनीति बना रहे हैं, जिसके तहत मॉस्को पर यूक्रेन का हमला हो सकता है, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले की योजना बन रही, नाटो से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार मिल सकते हैं, यूक्रेनी सेना के लिए मॉस्को तक पहुंचना मुमकिन नहीं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन दिए जा सकते हैं। नाटो को यकीन है कि अगर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर लगातार हमले हुए तो पुतिन समझौते के टेबल पर आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि यूक्रेन रूस के बड़े शहरों पर भी हमले कर सके। यूक्रेन ने खुद जेट इंजन वाले ड्रोन तैयार कर लिए हैं। यूक्रेन को नाटो देशों से भी कई ड्रोन मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।